ओके हेलो एवरीवन, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें एफ ब्लॉक में थोड़ा सा लेंथेनाइड्स के बारे में पढ़ना है, हल्का फुल्का। एक्टिनाइड्स तो सिलेबस से रिमूव कर दिए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर डी ब्लॉक की सीरीज है, सीरीज मतलब पीरियड देखने होते हैं। ठीक है, 3D सीरीज आपको थर्ड पीरियड में दिखेगा, 4D सीरीज आपकी फोर्थ पीरियड की है, और 5D सीरीज आपकी फिफ्थ पीरियड की है। ठीक है, सिमिलरली 6D। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे कि 3D सीरीज में कौन कौन से हैं, 4D में कौन कौन से हैं, 5D में कौन से हैं। 6D आप इग्नोर कर सकते हो, 6D इतना नहीं आता, क्योंकि वैसे भी वो बहुत रेयर हैं, आधे रेडियो एक्टिव हैं उसमें। ठीक है, तो 3D, 4D एंड 5D। ठीक है, जो कि 3D स्कैंडियम टू आपकी जिंक है, 4D इट्रियम टू कैडमियम है, एंड 5D आपकी लैंथेनम टू मर्करी है। ओके, उसके बाद 3D सीरीज पता क्यों बोला है? क्योंकि इसमें 3D में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। 4D सीरीज इसलिए बोला कि यूट्रियम टू कैडमियम 4D में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एंड लैंथेनम टू मर्करी आपके 5D में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए उसे 5D सीरीज बोला जाता है। इसके बाद आते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हैं, जिसमें हम 4F में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसे लैंथेनाइड्स बोलेंगे, जब 5F में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसे हम एक्टिनाइड्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमने जो करना है वो बता दूं। यस, अभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लो। किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए आउटर मोस्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? दैट विल बी N-1d 1-10 NS-1-2। ठीक है, अगर जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो, एटॉमिक नंबर है 21, तो आर्गन तक तो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, 18 हो गया। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आता है आपको 4s। ठीक है, आर्गन के बाद आपने 4s फिल करना है, 4s के बाद आपने 3d फिल करना है। ठीक है, I'll tell you a minute. तो 3D अगर देखोगे तो इसका होता है 4s2 3d1। ठीक है, 4s2 3d1 जब आप करोगे तो पता चलेगा कि ns2 और 3d में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। 4s में इलेक्ट्रॉन है और 3d में है, तो 4 में 4 है और 3d में 4 से एक कम नंबर, मतलब 3d। ठीक है, तो 4s यूज होती है फोर्थ शेल की और d यूज होती है थर्ड शेल की। ठीक है, कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, इतना मेरा नेटवर्क कनेक्ट होता है, इतना मैं आपको बाकी चीजें बता देती हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो बहुत डिटेल में दे रखा है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। देखो, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, पहले तो एलिमेंट्स याद कर लो, ये 3D सीरीज है। ठीक है, फर्स्ट सीरीज कौन सी है? 3D सीरीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, CO4 कोबाल्ट, CU4 कॉपर, Cr4 क्रोमियम, Mn4 मैग्नीज, Fe4 आयरन, Ni4 निकल, Zn4 जिंक। ठीक है, तो यहाँ से आप सीक्वेंस में याद करो, 21 से 30 तक है एटॉमिक नंबर इनके। ठीक है, तो स्कैंडियम का क्या होता है? 4s2 3d1। टाइटेनियम का 4s2 3d2, 4s2 3d3। देखो, 4s में दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, तो दो पहले थे, है ना, कैल्शियम तक तो दो इलेक्ट्रॉन आ गए थे। स्कैंडियम इलेक्ट्रॉन 3d1 में गया, टाइटेनियम में 2 में गया, 3d में 2 गए, वैनेडियम में 3d में 3 गए, क्रोमियम में 3d में 5 कैसे चले गए, 4 जाने चाहिए थे, है ना। तो यहाँ पर हमने याद करो आपको, क्रोमियम का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्सेप्शनल होता है ना, होना क्या चाहिए था 3d4 4s2, बट होता क्या है 3d5 4s1। ठीक है, मेरा जैम बोर्ड ओपन नहीं हो रहा, अदरवाइज मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ अभी यहीं पर ही, लेट्स सी अगर हो जाए। ओके, अगर ये ओपन होगा देखती हूँ, अगर नहीं हुआ तो ऐसे ही बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम में हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन होने की वजह से, हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन है 3d5। ठीक है, इसलिए ये आपका क्या बोलते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन रखता है। इसके बाद आपका एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन होता है कॉपर का, जिसमें आप देखो निकेल में 8 इलेक्ट्रॉन है 3d में, कॉपर में कितने होने चाहिए थे? 9 होने चाहिए थे,
बट कॉपर में यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ आपका, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप कर गया, 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर गया, 2 थे ना यहाँ पे 4s में, यहाँ पे देखो 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो एक्स्ट्रा कहाँ से आया, 4s से आया, ठीक है, क्लियर। तो सिमिलरली यहाँ पर देखो 4s में 2 थे, वैनेडियम में क्रोमियम में 1 है, ठीक है। तो क्रोमियम में अगर जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होता क्रोमियम का, मैं बता दूं यहाँ पे हल्का सा लिख के, क्रोमियम का जनरल कॉन्फिगरेशन होता आपका, हाँ देखो 4s2 3d4 ये जनरल होता है आप एक्सपेक्ट करते, ठीक है। अगर ये कोई ऐसा हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी वगैरह कोई फैक्टर नहीं होता, बट एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में है आपका 4s1 एंड 3d5, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये होना चाहिए था, ये नीचे वाला एक्चुअल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में जंप कर गया, बिकॉज 3d5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, ठीक है, क्लियर। तो d में मैक्सिमम 10 आते हैं, अगर d5 मैं बोलूं तो d5 का मतलब क्या है कि d आपकी हाफ फील्ड है, आधी भर चुकी है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 3d10 बन रहा है, 3d10 मतलब फुली फील्ड, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो वेट हेलो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, एक मिनट। तो सेकेंड सीरीज में जो है आपके कौन कौन से एलिमेंट है, इट्रियम, जिरकोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है। थर्ड सीरीज में लैंथनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्करी, एज इज द सिंबल फॉर गोल्ड, एज इज द सिंबल फॉर सिल्वर, ठीक है, क्लियर। इसके बाद फोर्थ सीरीज भी हैक्टिनियम, ये वह सब इनको तुम छोड़ दो, इसमें कुछ तुमसे ज़्यादा पूछता नहीं है, तो आप थर्ड सीरीज तक बिल्कुल प्रॉपरली याद कर लो, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखो एक चीज होती है कि एक चीज याद रखना, ये जिंक, कैडमियम, मरकरी है, कौन से, ये कैडमियम रहा लास्ट में, ये मरकरी रहा, और 3D सीरीज में अगर ऊपर देखो ना सबसे ऊपर ये रहा जिंक आखिरी में, ठीक है, लास्ट मेंबर। 3D का जिंक है और 4D का कैडमियम है और 5D का मरकरी है। ये जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसिडर करते, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आप याद रखना वो एलिमेंट्स जो अपनी ग्राउंड स्टेट में या फिर अपनी किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिनके पास कंप्लीटली फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होती है, या फिर कहो कि उनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होनी चाहिए, ऐसे एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे जिंक और कैडमियम और मरकरी है, इनका कॉन्फिगरेशन देखो ना 3d10 4s2, इसका भी इसका 4d10 5s2, इसका 6d10 7s2 मरकरी, ठीक है, क्लियर। इनकी डी जो है फुली फिल्ड है, ठीक है, तो मतलब मैंने बोला पार्शली फिल होना चाहिए, पार्शली मतलब जिसमें कुछ हो इलेक्ट्रॉन बट कम्प्लीटली फिल्ड ना हो, ठीक है, कम्प्लीटली फिल्ड ना हो। इन तीनों के केस में आपके जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है ग्राउंड स्टेट में, और अगर मैं इनकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में चेक करूं, कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है इनकी +2, तो जब अगर ये +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं तब ये कौन से इलेक्ट्रॉन अपने रिमूव करेंगे, 4s के, ठीक है। तो जिंक या फिर मैं कहूँ जिंक +2 का मतलब क्या है, 3d10, ठीक है, नॉर्मल जिंक होता है 3d10 4s2, जिंक +2 क्या है, 3d10 है। सिमिलरली कैडमियम क्या है, 4d10 5s2, और कैडमियम +2 क्या हुआ, 4d10। तो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद भी डी जो है स्टिल फुली फिल्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एस से निकल रहे हैं, डी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है ना। तो ये जो एटम है ये अपनी ग्राउंड स्टेट में और अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी इनके पास फुली फिल्ड है, पार्शली फिल्ड नहीं है,
ठीक है, इसलिए ये जो एलिमेंट्स है जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत अक्सर पूछा जाता है कि व्हाई दीज एलिमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, जबकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है। डी ब्लॉक तो सारा है, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक सारे एलिमेंट्स जो हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बट ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होंगे, जो अपनी ग्राउंड स्टेट में या फिर अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपकी कंडीशन है किसी भी एलिमेंट की ट्रांजिशन एलिमेंट होने की, ठीक है। उसके बाद आओ नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है, व्हाई कैन यू से दैट कि स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट, ठीक है, स्कैंडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक नहीं है। जिंक का सेम ही रीजन है कि जिंक अपनी ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में, दोनों में से किसी एक में चेक करोगे, ठीक है, देखा तो उसका दोनों में ही क्या है, जो है पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल उसके पास नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, जबकि स्कैंडियम अपने ग्राउंड स्टेट में क्या करता है, स्कैंडियम अपने ग्राउंड स्टेट में उसके पास अगर कंफिगरेशन याद हो इसका होता है 3d1 4s2 3d1 1 है ना, एक इलेक्ट्रॉन है ना, पार्शली फिल्ड है, पार्शली फिल्ड मतलब चाहे 1 से लेकर 9 तक अगर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 वो पार्शली फिल्ड है, बट d10 क्या होगा, वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, ठीक है, तो d खाली भी नहीं होना चाहिए और d कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं होना चाहिए, d में कुछ तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे एक हो चाहे दो हो, ठीक है, क्लियर। उसके बाद वो बता, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, तो हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये तुमने करना है मुझे बताना है, ठीक है, बताना मुझे क्या सिल्वर होगा ग्राउंड स्टेट में, सॉरी ग्राउंड स्टेट में उसके पास 4d10 है, ये बताना है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, सिल्वर है, ट्रांजिशन एलिमेंट है सिल्वर, मैं बता देती हूँ रीजन, तुम मुझे बताओगे। उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है, ये है उसका स्ट्रक्चर, जैसे आपको दिखा रखा है स्कैंडियम है बीसीसी में क्रिस्टलाइज होता है, टाइटेनियम बीसीसी में हो रहा है, बीसीसी याद है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है ना, सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हो रहा है, क्रोमियम बीसीसी में भी जा रहा है, सीसीपी में भी जा रहा है, क्योंकि ये मेटल्स है, ठीक है, ऑब्वियसली सॉलिड्स में हमने पढ़ा है मेटल्स जो है किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल में क्रिस्टलाइज होते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दिखा रखा है, ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके जो ट्रेंड्स हैं वो रेगुलर नहीं है, इररेगुलर ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, कारण बहुत सारा है इनमें, यहाँ पे बहुत चीजें, बहुत सारे फैक्टर रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते थे ना कि अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है ना, एक रेगुलर ट्रेंड हम पढ़ते थे, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको रेगुलर ट्रेंड बहुत कम मिलेंगे, मैक्सिमम आपको इरेगुलर ट्रेंड मिलेंगे, जैसे कि अब देखो इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है ये 3D सीरीज का है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, वेयर एज ये 4D का है, उसके बाद ये 5D का है, ठीक है, क्लियर। तो 3D में देखो टाइटेनियम से लेकर क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, क्रोमियम के बाद मैग्नीज पे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, वेयर एज मैग्नीज से आयरन की तरफ जा रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, और फिर थोड़ा सा लिटरल डिक्रीज है कॉपर पैलेडियम निकल तक, उसके बाद कोबाल्ट निकल से थोड़ा डिक्रीज है, उसके बाद कॉपर और तक बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। कारण क्या है मेल्टिंग पॉइंट का इस तरह के ऑर्डर का, पहला कारण तो याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट इनका डिपेंड करेगा इनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कैसे देखते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से, ठीक है, अगर ऑर्बिटल में किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड है, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो मतलब वो पेयर्ड है ना, पेयरिंग हो रखी है, ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको सबका पता होना चाहिए हर एलिमेंट का, एटलीस्ट 3D का तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद टाइटेनियम से क्रोमियम तक जाते हुए आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है, क्रोमियम से मैग्नीज की तरफ जाओगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाता है, एंड उसकी वजह से थोड़ा एक्सचेंज एनर्जी वगैरह सब वो फैक्टर डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज कर गया। आयरन मैग्नीज के बाद अगर आयरन पे जाओ, ऑल्दो आपका जो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, बट जो एक्सचेंज एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ एक से दूसरे ऑर्बिटल में जो एक्सचेंज करते रहते हैं, उसकी वजह से आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमने जो पढ़ना है एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन अगर आपको याद हो थर्मोडायनामिक्स में शायद कराया गया था,
एक मोल अगर आपका कम जो भी है मॉलिक्यूल है कंपाउंड है उसके उसको प्रॉपरली एटम में कन्वर्ट करना, मान लो कोई कंपाउंड है NaCl है ठीक है, या फिर CCl4 है सपोज करो, उसमें मैं क्या कर रही हूँ कि हर एटम को अलग अलग कर रही हूँ, वो तो मॉलिक्यूल हो गया ना ठीक है, हर एटम को अलग अलग करना है ठीक है, दैट इज उसके लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वन मोल के लिए, वन मोल ऑफ कंपाउंड के लिए, वो आपके एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है आपका वो आपकी 3D सीरीज है, फर्स्ट आपकी रेड वाले जो है वो 3D है, ये 4D सीरीज है और ग्रीन वाली आपकी 5D सीरीज है। तो आप एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देख सकते हो कि किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है ठीक है। तो ओब्वियसली 3D वालों की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 4D एंड 5D, कारण क्या हो सकता है सॉरी ये आई एम सॉरी ये ग्रीन वाली आपकी 3D सीरीज है, ब्लू वाली आपकी 4D है एंड रेड वाली आपकी 5D है, क्योंकि 3D को हम सीरीज 1 कहते हैं और 4D को हम सीरीज 2 कहते हैं और 5D को हम सीरीज 3 कहते हैं ठीक है। तो जाहिर सी बात है 3D की में देखो ये वही है स्कैंडियम टाइटेनियम रेडियम क्रोमियम तक आपका इंक्रीज है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर बीच में डिक्रीज आ रहा है मिडल में ठीक है, मिडल में डिक्रीज आने का वही है एटो अनपेड इलेक्ट्रॉन पर ही सारा फैक्टर रोल प्ले करता है ठीक है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं तो बॉन्डिंग अच्छी रहती है और इस वजह से आपकी क्या होगा, अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एटोमाइजेशन के लिए ठीक है, अगर आप एटम्स में उसे कन्वर्ट करना चाहते हो ठीक है। उसके बाद देखो ये इतना थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है पर इनको फिर भी एक बार गो थ्रू तो होना ही है ठीक है, क्योंकि हमें चीज़ें तो हर कुछ आनी चाहिए ठीक है। अब देखो एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखो क्या ट्रेंड रहेगा, यहाँ पे देखो ये आपकी जो पहली है ग्रीन वाली वही 3D सीरीज है, ब्लू वाली 4D है और रेड वाली आपकी 5D सीरीज है ठीक है। अब डाउन द ग्रुप आप देखो ना, अगर 3D से 4D तक जाते हुए, 3D से 4D तक जाते हुए ये देखो इधर रेडियस शो कर रखी है ना, रेडियस काफ़ी बढ़ रही है 3D से 4D तक जाते हुए, बट 4D और 5D के बीच में कुछ ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं है ना, कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। देखो ब्लू एंड रेड लाइन कितने पास पास है जबकि ग्रीन और ब्लू में कितना डिस्टेंस है ना। तो अगर डाउन द ग्रुप हम मूव कर रहे हैं तो देखा जा रहा है कि 3D से 4D जाते हुए तो साइज इंक्रीज कर रहा है, 4D से 5D जाते हुए भी इंक्रीज कर रहा है, बट इंक्रीज है वो बहुत कम है और समटाइम्स तो इंक्रीज है ही नहीं, क्योंकि तो ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट मर्ज सी कर रही है। कारण क्या है जी, कारण ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉन 5D में जाते हैं तो साथ में 4F की भी फिलिंग होनी हो जाती है ना, तो उससे क्या होगा 4F की फिलिंग हो जाती है पहले 5D से पहले, मतलब बीच में 4F के इलेक्ट्रॉन आ गए है ना, और आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो 4F के इलेक्ट्रॉन का बहुत वीक होता है, सबसे कम होता है ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है अगर किसी को ना याद हो मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि देखो सेंटर में न्यूक्लियस है उसके अराउंड शेल्स हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ठीक है, तो जो शेल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होती है उसे न्यूक्लियस काफी अच्छे से अट्रैक्ट करके रखता है। जैसे जैसे शेल आपकी न्यूक्लियस से दूर होती जाती है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी क्या होता है कम होता जाता है। अगर आपकी शेल में अब शेल के अंदर सब शेल है ना, SPDF सब शेल आपकी, अब सब शेल में क्या है कि S जो है वो न्यूक्लियस की तरफ काफी अट्रैक्टेड रहती है ठीक है, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन S के ऊपर ज्यादा रहता है, फिर उससे कम उसका अट्रैक्शन P के ऊपर है, फिर उससे कम D पर है, सबसे कम F पर है ठीक है, क्लियर। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा होता है कि डाउन द ग्रुप आपका शेल बढ़ रही होती है ना, तो साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है इसलिए साइज बढ़ता है। बट फाइव जब आपके 4F में इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाते हैं, जब आप 5D की फिलिंग कराओगे तो 4F में इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं, तो जो 4F के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो मतलब न्यूक्लियर चार्ज मतलब उनका शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं है। शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं का मतलब क्या कि न्यूक्लियस उन्हें उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा है ना, और शील्डिंग में होता एक और फैक्टर मैं आपको बताना भूलूंगी, एक और बात है कि अगर बीच में जो बीच के इलेक्ट्रॉन होते हैं बीच में है ना, जो इनर ऑर्बिटल्स या इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को
प्रोटेक्ट करते हैं किससे, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से। ठीक है, सपोज करो कि मैं न्यूक्लियस हूँ, मेरे चारों सर्कल बनाए हुए, तुम लोगों ने स्टूडेंट ने सर्कल बना रखे हैं ना, तो जो इनर सर्कल्स हैं वो क्या करेंगे, इनर सर्कल्स में जो स्टूडेंट प्रेजेंट हैं वो अगर आउटर शेल में, सबसे बाहर वाली शेल में जो स्टूडेंट प्रेजेंट हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुझसे, ठीक है, मुझसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, वैसे सा लगा लो। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि जो इनर शेल में जो स्टूडेंट्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो बाहर वालों को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करा पा रहे मुझसे, जो कि मैं न्यूक्लियस हूँ, है ना, क्या मुझसे उतने अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करा पा रहे। उससे क्या होगा, अगर उन्होंने अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कराया तो मेरा जो होल्ड है आउटर मोस्ट सर्कल पर जिसमें बच्चे हैं, ठीक है, उन पर मेरा होल्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि बीच वाले बाहर वालों को प्रोटेक्ट नहीं करा पा रहे हैं, है ना, बीच में जो बच्चे हैं वो बीच वाले सर्कल्स में वो बाहर वालों को प्रोटेक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो बाहर वाले सर्कल्स में जो बच्चे होंगे उन पर मेरा होल्ड ज्यादा हो जाएगा, है ना। क्लियर। सिमिलरली न्यूक्लियस भी क्या करता है, अगर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करा पाते तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा ऑब्वियसली हो जाता है। जैसे 4F के इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटेक्ट करा पाते क्योंकि उनका शील्डिंग फिर सबसे कम होता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि डी के जो 5D के जो इलेक्ट्रॉन है, 4F के बाद 5D है ना, 5D के जो इलेक्ट्रॉन है आपके, उन पर न्यूक्लियस का होल्ड अच्छा हो जाता है। अगर न्यूक्लियस का होल्ड अच्छा होगा तो न्यूक्लियस उन्हें अपनी तरफ खींचेगा, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। जब न्यूक्लियस उन्हें अपनी तरफ खींचेगा तो आपके एटम का जो साइज है वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, है ना, कुछ डिक्रीज करना चाहिए, है ना, डाउन द ग्रुप। तो ये समझ में आ रहा है, 4D टू 5D जाते हुए शेल भी इंक्रीज कर रही है और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, शेल इंक्रीज करने से साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएगा तो साइज डिक्रीज करेगा, है ना, तो दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट में है, है ना, शेल का बढ़ना और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन का बढ़ना, ये दोनों चीजें एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, क्योंकि शेल के बढ़ने से साइज बढ़ता है, जबकि शेल के बढ़ने से साइज बढ़ता है जबकि आपके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर बढ़ जाए तो उससे क्या होगा, आपका न्यूक्लियस का साइज डिक्रीज करेगा। इसलिए 4D टू 5D जाते हो आप देखोगे कि जो है साइज में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि जो न्यूक्लियस वाला शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से 4F के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ गया, इसलिए साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाया। तो कहीं कहीं तक तो थोड़ा सा सिमिलर साइज ही आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में, है ना। तो इसको हम बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ये जो कंसिक्वेंस हुआ ना, साइज जो है सिमिलर हो गया, 4D एंड 5D का साइज जो है वो सेम नहीं है बट सिमिलर हो गया, इसलिए क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होना होता है छोटा होना, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों कहा है, क्योंकि 4F के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ ना, ये 4F के इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है कॉन्ट्रैक्शन, है ना, और 4F के इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, लेंथेनाइड सीरीज में जाते हैं, मतलब दोनों में से कैसे भी याद रख लो कि लेंथेनाइड कौन सी सीरीज है जिसमें 4F में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 4F के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ है, दैट इज वाई इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत रिपीटेडली पूछी जाती है एग्जाम में, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया ये, और ये जो आपके मैंने उससे पहले आपको क्या बताया था, ये चीज मैंने बताया, हाँ, कि कौन से एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन जो है बड़े पैट क्वेश्चन हैं एग्जामिनर्स के, तो ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, क्लियर। और अलोंग द पीरियड क्या होगा, चलो डाउन द ग्रुप तो मैंने बता दिया कि पहले 3D to 4D इंक्रीज कर रहा है और 4D to 5D ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा। अलोंग द पीरियड देखो, स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हुए, स्कैंडियम से देखो कॉपर तक तो बिल्कुल डिक्रीज कर रहा है ना, कॉपर तक डिक्रीज कर रहा है, कॉपर के बाद थोड़ा सा जिंक की तरफ जाते हुए थोड़ा सा इंक्रीज किया है। कॉपर तक डिक्रीज करने का कारण क्या है, आपको पता है अलोंग द पीरियड आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे मैं बार बार कह रही हूँ ना, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, वही आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज आएगा, ठीक है, ड्यू टू वो Z-σ होता है जेड इफेक्टिव को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और सिग्मा होता है स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, जेड होता है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्लियर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका अलोंग द पीरियड बढ़ जाता है, इसका मतलब न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब भी न्यूक्लियस का होल्ड आपके इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ेगा तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, शेल को अपनी तरफ खींचेगा, सब शेल को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है,
तो उससे आपका एटम का साइज जो है वो डिक्रीज कर जाता है. ओके, वेयर एज व्हेन यू मूव फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक में क्या होगा, आपका जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ पाएगा, है ना. 3d10 आपकी फुली फिल्ड हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा मतलब वो वाला फैक्टर भी है, 3d10 फुली फिल्ड है, 4s2 फुली फिल्ड है, इसे थोड़ा सा साइज आपका इंक्रीज करता है. ठीक है, यहाँ पर आपका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेगा. ओके, उसके बाद देखो ये वाला टेबल देखो, ये जो टेबल है ये आपका है टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड सम ऑफ अदर प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. कॉन्फिगरेशन सबका दे दिया बच्चा, देखो बिल्कुल लिख देता, स्कैंडियम 21 3d1 4s2, वैनेडियम 3d2 4s2, उसके बाद आपका सॉरी टाइटेनियम 3d2 4s2, उसके बाद वैनेडियम 3d3 4s2, क्रोमियम 3d5 4s1, ये याद रखना, मैग्नीज 3d5 4s2, आयरन 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकल 3d8 4s2, कॉपर 3d10 4s1 एंड जिंक 3d10 4s2. ठीक है, अब ये है M, M is your metal and M stand for general electronic configuration, या फिर बोलो M metal atom in ground state. ठीक है, अपनी ground state में normal जो आपका उस atom का electronic configuration है. What does M plus stand for? M plus stands for, M plus मतलब आपने जब metal से एक electron remove कर दिया है, तो जब भी आपने metal से electron remove करना है, याद रखना electron 4s से remove होना चाहिए. ठीक है, 4s से रिमूव होना चाहिए, 4s उस बाहर की तरफ होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा. ठीक है, ओके, 4s की एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा. M प्लस टू का मतलब क्या है, जब मेटल में से दो इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, तो जब देखो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 4s खत्म हो गया, है ना, 4s आगे नहीं आएगा ना, क्योंकि 4s में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर दोनों ही आपने निकाल दिए तो दोनों 4s से चले गए हैं, तो 4s का रोल प्ले नहीं है, अब 3d आ गया, है ना. और M प्लस थ्री का क्या मतलब होगा, अब दो इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालूंगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर आपने मेटल एटम से निकालना है तो वो 3d से निकलेगा, पहले 4s के इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, फिर 3d के इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं. ठीक है, क्लियर. उसके बाद देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब एटोमाइजेशन का भी देख लो आप. ठीक है, एटोमाइजेशन भी कैसे आपका क्या पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, क्लियर, डिपेंड करता है आपके कैसे आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली फिल्ड है क्या नहीं है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट जिसपे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, डेल आई एच, ठीक है, स्टैंड फॉर चेंज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो यहाँ पर अगर आप देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर है, अलोंग द पीरियड आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है, याद रखना अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी. क्यों इंक्रीज करेगी और क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखो किसी भी एटम से, किसी भी एलिमेंट से, एटम से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाली ऑर्बिटल में जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है. ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी. ठीक है, ये खुद ब खुद नहीं होगा, ये प्रोसेस खुद ब खुद नहीं होगा कि अपने आप इलेक्ट्रॉन निकल गया, नहीं, आपको उसे कुछ हीट लाइट समथिंग सम फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, ओके, ये फर्स्ट स्टैंड फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, M से M प्लस में गए, है ना, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसे बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. टू स्टैंड फॉर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब जब आपने M प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके M प्लस टू बनाया. ठीक है, फिर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, जब आपने M प्लस टू से M प्लस थ्री में आया, प्लस टू से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया और M प्लस थ्री बन गया. ठीक है, तो डाउन एक अलोंग द पीरियड इंक्रीज कर रही है और डाउन द ग्रुप आप देखो इंक्रीज कर रही है, 6 से 6 31 थी इसकी 1235 है ना, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी स्कैंडियम की और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है 2393. ठीक है, डाउन द ग्रुप नहीं बोलूंगी, इसको बोलूंगी फर्स्ट टू सेकंड जाते हुए और सेकंड टू थर्ड जाते हुए. ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ जाते हुए और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ जाते हुए देखो कि वैल्यू जो है इंक्रीज करती है. क्यों इंक्रीज करती है जी, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो ना, पहले इलेक्ट्रॉन का रिमूव किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, अब देखो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है
वो तो कम नहीं हो रहा ना, वो तो उतना ही है क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, है ना। प्रोटॉन तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया, हम तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तो न्यूक्लियस का आपका जो अट्रैक्शन है या होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स पर, वो बढ़ जाता है। क्योंकि देखो न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से जोड़ के रखता है, ठीक है। अगर आपने जैसे तैसे करके एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, है ना, एनर्जी दी आपने, एटम में कुछ प्रोवाइड किया और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो उसके बाद न्यूक्लियस का होल्ड और टाइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन उससे बाहर जाए, ठीक है। क्लियर? तो सिंपल सी बात ऐसे लगाओ कि अगर तुम 10 बच्चे बैठे हो क्लास में, है ना, क्लियर, और मैं तुमको पकड़ के बैठी हूँ वहां पर, है ना, क्लास में तुमको पकड़ के बैठी हूँ। एक बच्चा जैसे तैसे करके भाग गया क्लास से, है ना, कोई लेके चला गया उसे चुपके से मेरे एब्सेंस में, तो बचे हुए जो 9 स्टूडेंट्स हैं उन पर मेरा होल्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने तुम्हें होल्ड कर रखा है। अगर तुम्हें कोई बाहर की चीज निकाल के लेके जा रही है क्लास से, है ना, तो मेरा होल्ड तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। इस चीज को ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए डाउन द सॉरी जब फर्स्ट से सेकेंड आयनेशन एन्थैल्पी की तरफ जाते हैं या फिर सेकेंड से थर्ड आयनेशन एन्थैल्पी की तरफ जाते हैं, तो वैल्यू इंक्रीज करती है। बट एक चीज याद रखना, 11th में हमने देखा था कि जो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके केस में ये जो इंक्रीज होता है बहुत ज्यादा होता है। मतलब लाइक इसमें तो सिर्फ इतना ही है ना, 600 का डिफरेंस आ गया, फिर 1000 का डिफरेंस आ गया, उनके केस में 4,000 का डिफरेंस आता है, बहुत डिफरेंस आता है। इतने इनके केस में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं मेटालिक और आयनिक रेडियाई की बात करूँ, तो आपको पता है अलोंग द पीरियड क्या है, मैंने ट्रेंड बताया था कि आपकी कॉपर तक आपकी डिक्रीज होती है, कॉपर के बाद जब आप जिंक की तरफ जाते हो, ठीक है, तब थोड़ा सा वैल्यू इंक्रीज होता है, ओके। उसके बाद है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आप एक चीज याद रखना, यहाँ से उठाओ इसको, फर्स्ट 3D सीरीज में देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो याद है ना आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया हमने, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देखो आप क्या चीज है यहाँ पर देखने वाली, ये है एम से एम प्लस टू, मतलब मेटल एम से एम प्लस टू में चेंज हो रही है, ठीक है, ये प्रोसेस है। उसके लिए आपको इलेक्ट्रो पोटेंशियल दिए गए हैं सबके लिए, ठीक है, स्कैंडियम के लिए नहीं प्रोवाइडेड है, बाकी सबके लिए प्रोवाइडेड है। तो देखा जाए ना, फर्स्ट में देखो सबके लिए इलेक्ट्रो पोटेंशियल आपको नेगेटिव दिख रहा है, जबकि ये वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, जिंक के लिए भी नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव किसका आया है, ये कॉपर का पॉजिटिव है। तो कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल है कौन सी टर्म के लिए, एम से एम प्लस टू के लिए, पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, तो अगर आपको याद हो जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 3 तरह की एंथैल्पीज का उसमें सम होता था, हमने ये 11th से याद रखना। एक तो होती है आपकी आयनेशन एंथैल्पी, और एक होती है आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और तीसरी होती थी हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो जो कॉपर है, कॉपर के लिए साइज जो है बड़ा तो नहीं, बट फिर भी उसके कंपैरेटिवली जो कॉपर है आपका, उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, क्लियर। क्योंकि देखो एटोमाइजेशन करोगे या आयनाइजेशन करोगे, उसके लिए तो आप ही एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो एंथैल्पी पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। बट जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है, जब आपका एटम हाइड्रेटेड होता है, ठीक है, तो उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है, तो मतलब एनर्जी नेगेटिव में जाती है। तो हमने याद करो, अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा हो, कि जो मैंने बताया था कि आयनेशन एंथैल्पी और प्लस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ये आपका इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, क्योंकि ये जो दो वैल्यू है ये पॉजिटिव में होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, जबकि हाइड्रेशन जो प्रोसेस है इसमें आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। रिलीज होने से क्या होगा, रिलीज होने से आपकी मतलब स्टेबिलिटी आएगी जब भी एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है एज कम्पेयर टू आयनेशन एंथैल्पी और एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, तो आपका जो प्रोसेस होगा वो फिजिबल होगा और इलेक्ट्रो पोटेंशियल आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, क्लियर, ओके। उस प्रोसेस के लिए जैसे एम से एम प्लस टू में जाना है उसके लिए, ठीक है, क्लियर। बट अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी बहुत ज्यादा नहीं है इनके कंपैरेटिवली, मतलब
उसकी वैल्यू इन दोनों के सम से ज़्यादा नहीं है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। अगर मैं कहूँ कि आयनेशन एंथैल्पी, ये कहाँ चला गया मैं पता नहीं चलता, मैं टाइप करी और उड़ गया। अच्छा अच्छा ये रहा। अगर मैं कहूँ आयनेशन एंथैल्पी प्लस जो आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, अगर वो आपकी ज़्यादा हो जाए किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी से, तो ये दोनों वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होती है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो कॉपर के लिए यही प्रॉब्लम होती है, कॉपर की हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, जबकि आयनेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उसकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो इसलिए ये जो ओवरऑल जो तीनों का जो सम होगा इन कॉपर के लिए वो पॉजिटिव आता है, दैट इज वाई इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पॉजिटिव है, ठीक है, क्लियर। तो ये कारण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉपर का वाला, ठीक है। अब देखो, व्हाई डू टेंशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इस चैप्टर में आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा आते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, वो ऐसे क्यों होता है, ठीक है, एक्सेप्शन बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। अब पता है क्योंकि देखो जितने डी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने एस और पी में थोड़ी ना हो सकते हैं, एस में दो, एस ब्लॉक में अगर आप जाओ तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ब्लॉक में जाओगे तो पी में कितने हो जाते हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी तो ज़्यादा होंगे, ठीक है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उनके बीच में, मैंने बताया जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतनी अच्छी इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन होती है, ठीक है। इंटर एटोमिक अट्रैक्शन मतलब एटम के एटम के साथ अट्रैक्शन, ठीक है। तो जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतने ज़्यादा एटम एटम के बीच में अट्रैक्शन है और उतनी स्ट्रॉन्गर आपकी बॉन्डिंग होगी, ठीक है, एटम्स के बीच में है, रिजल्टिंग इन हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अगर बॉन्डिंग अच्छी है एटम्स एटम्स के बीच में तो उनको अलग करना मुश्किल होगा, है ना, उन मॉलिक्यूल्स को उन कंपाउंड्स में से एटम एटम को फिर से अलग करना मुश्किल होगा, तो मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपकी हाई हो जाएगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे आयनेशन एंथैल्पी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में कल करते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच।